दुनिया बदल रही है, बस एक तू नहीं बदला। क्या प्रभास की अपकमिंग फिल्म पुरुष के सेट पर लगी आग, मेकर्स को हुआ इसकी वजह से कौन सा बड़ा नुकसान? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। साउथ के सुपरस्टार और तानाजी फिल्म निर्देशक ओम राउत की मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग मुंबई में जारी है दोस्तों, और हाल ही में इस शूटिंग को शुरू किया गया है, मगर इसके साथ ही यहां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बॉलीवुड लाइव के मुताबिक प्रभास स्टारर इस फिल्म में जो सेट था उसमें भयंकर आग लग चुकी है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस फिल्म से जुड़े करीबी सूत्रों ने बताया कि शूटिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद यहां भयंकर आग लग गई, जिससे प्रोडक्शन के हिसाब से खासा नुकसान हुआ। हालांकि निर्देशक ओम रावत और फिल्म की टीम सुरक्षित है, किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, मगर फिल्म की शूटिंग के लिए लगाया गया क्रीन क्रोमा जो होता है वो बुरी तरह से बर्बाद हो गया, झुलस गया, जो निर्माताओं के लिए एक बड़ा नुकसान है। वहीं इस घटना की खबर तेजी से फैल रही है, जहां से मौके की ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर शूटिंग सेट से सामने आ रही तस्वीरों और वीडियोज़ में आग की भयावहता साफ दिख रही है। आग लगने के बाद मौके पर 2-3 दमकल वाहन आग पर काबू पाते हुए भी दिखाए गए, और फिर सोशल मीडिया पर आदि पुरुष के ये सेट की जो तस्वीरें हैं वो तैरने लगी। वहीं आपको बता दें, एक ही दिन इस फिल्म के शूट को हुआ था और इसका ऐलान भी किया था कि इसकी शूटिंग शुरू की जा रही है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ऐसा हो गया। वहीं सामने आ रही ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के पहले दिन सुपरस्टार प्रभास और सैफ अली खान वहां पर नहीं मौजूद थे, मगर सेट पर बाकी लोग ज़रूर मौजूद थे। इस फिल्म को निर्माता निर्देशक ओम रावत 3D तकनीक पर बना रहे हैं, और इससे पहले तानाजी में भी वो इसी टेक्निक का यूज़ कर चुके हैं। ये फिल्म रामायण की कहानी पर आधारित है, जिसमें प्रभास श्री राम के किरदार में दिखाई देने वाले हैं, जबकि सैफ अली खान फिल्म में लंकेश के रोल में दिखेंगे। वहीं बाकी किरदारों के बारे में भी बहुत सारी जो न्यूज़ है वो आ चुकी है, जैसे कि सीता के किरदार में कृति सैनन नज़र आ सकती हैं, लक्ष्मण के किरदार में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा नज़र आ सकते हैं, और कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी कौशल्या के किरदार में नज़र आ सकती हैं। तो दोस्तों, आदि पुरुष का सभी को इंतज़ार है, क्योंकि जब भी ऐसी एपिक माइथोलॉजिकल फिल्म बनती है तो सभी उसका वेट करते हैं। आपको कितना इंतज़ार है आदि पुरुष का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।